हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद आईसीएस। वेद आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग्स संपन्न हुई हैं भारत में इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये आपने ज़रूर देखा होगा, मेरे ख्याल से आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही होगी कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं भारत सऊदी अरेबिया के बीच में। जनरली हम लोग देखा क्या करते थे कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करने में पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता था, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज़ का एसोसिएशन है उसमें पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, उसमें सऊदी अरेबिया भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। इन दोनों इश्यूज के कारण ये जो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था, आप देख जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में उनकी अपनी मिलिट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल्स सऊदी अरेबिया में जाकर उनकी सिक्योरिटी करते थे, और एक इस्लामिक सेंटिमेंट होने के कारण उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे होते थे। भारत आप कहीं ना कहीं साइडलाइन होता हुआ पाते थे, और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच का जो रिलेशनशिप था वो पूरी हर तरफ से आकर सिर्फ एक डायमेंशन पर आकर सिकुड़ जाता था, और वो क्या था? ऑयल ट्रेड। कि इंडिया को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी, हमको ऑयल की ज़रूरत होती थी, और सऊदी अरेबिया एक ऑयल एक्सपोर्टर हुआ करता था। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच का सारा रिलेशनशिप एक ही जगह पर जाकर सिमट गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप अब काफ़ी डाइवर्स होते जा रहे हैं। अभी जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है IMEC की, इसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इसके बाद जैसे ही G20 मीटिंग संपन्न हुई, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भारत की ऑफिशियल स्टेट विजिट पर आए। स्टेट विजिट पर आने के बाद आप देखेंगे कि कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार से अब इवॉल्व हो रहा है, और ये कैसे डाइवर्सिफाई हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल होता जा रहा है। देखिए एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए कि जो रिलेशनशिप है किस प्रकार से डाइवर्सिफाई हो रहा है। अभी जब ये मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने जिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर MOUs पर साइन किए वो काफ़ी डाइवर्स एरियाज़ के थे, काफ़ी डाइवर्स सेक्टर्स के थे, जैसे कि उसमें विजिलेंस के ऊपर में बातें की गई, उसमें फाइनेंशियल रेगुलेशंस के ऊपर बातें की गई, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स के ऊपर में बातें की गई, डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के ऊपर में बातें की गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि IT सेक्टर की बातें की गई, पेट्रोकेमिकल्स की बातें की गई, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर तक में अब कोऑपरेशन बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच का जो रिलेशन है इसको अगर हम लोग आंकड़ों में समझने की कोशिश करें तो इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है। सऊदी अरेबिया का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, वहीं अगर इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर की तरह से देखें तो सऊदी अरेबिया इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अब हो चुका है वो USA है, सेकेंड पे चाइना है, इसके बाद UAE सिंगापुर का नंबर आता है और सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। इस फिस्कल ईयर 2022-23 की अगर बात करें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच का जो ट्रेड है उनके अगर नंबर्स की बात करें तो इट वाज एट द लेवल ऑफ $52.75 बिलियन। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में एक वर्ष में $52.75 बिलियन का ट्रेड हुआ। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच के रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं $52.75 बिलियन की, इसमें सिर्फ ऑयल ट्रेड नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। अगर हम लोग ऑयल ट्रेड की बात करें तो ऑयल ट्रेड तो इसमें सिर्फ $29 बिलियन का था, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बाकी की चीज़ें क्या हैं? बाकी दूसरी चीज़ें हैं जो कि इंडिया अब सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करने लगा है। हम लोग कोलैबोरेशन जैसे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में बढ़ रहा है, अगर इसकी अगर बात करें तो एक समय ऐसा रहा है, हम लगभग एक दशक तक 10 साल तक ऐसा रहा जबकि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से ही करता था। ऑयल अगर ट्रेड की बात करें तो सऊदी अरेबिया वॉज द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया इन दिस सेक्टर। 2022-23 में भी इंडिया ने $29 बिलियन के वर्थ का
क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है सऊदी अरेबिया से। तो देखिए बात तो सही है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच के जो रिलेशन है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है ऑयल ट्रेड, एनर्जी पार्टनरशिप। और ये ट्रेड कोई आज से नहीं शुरू हुआ, 1960s के आसपास से ही स्टार्टेड है। उस 1960s की अगर हम लोग बात करें शुरुआती समय में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑयल ट्रेड होता तो था लेकिन उसका वॉल्यूम उतना नहीं था। तब हम लोग ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया करते थे पर्शियन गल्फ के नॉर्दर्न कंट्रीज से। नॉर्दर्न कंट्रीज़ का मतलब हो गया कि इराक और ईरान से, क्योंकि वहाँ का जो ऑयल होता है वो थोड़ा लाइट होता है, जिसको रिफाइन करना ईजी है, कम खर्च में उसको रिफाइन किया जा सकता है। वहीं सऊदी अरेबिया का जो क्रूड ऑयल होता है वो रिलेटिवली थोड़ा हैवियर होता है। तो अगर हमको ऑप्शन मिले तो हम लोग ईरान इराक से ऑयल इम्पोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर आगे चल करके प्रॉब्लम क्या आई, इराक में वॉर शुरू हो गई, इराक से एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो गया, ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए गए। तब वो समय था हमको अपनी एनर्जी नीड्स को लेकर सऊदी अरेबिया के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ा। तो वही समय था जबकि 10 साल तक लगातार सऊदी अरेबिया इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर बना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि क्रूड ऑयल ही उसने हमको दे दिया, उसके बाद हमारे एनर्जी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, उसने इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज लगाने में भी इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया की आपको पता है कि जो सबसे बड़ी कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में है, जामनगर में है। वहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान मतलब सऊदी अरेबिया ने 2019 में नया इन्वेस्टमेंट लगभग $50 बिलियन का किया हुआ है। महाराष्ट्र कोस्ट के पास में नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी, और ये अभी नहीं है, पहले की जो जामनगर की रिफाइनरीज हैं वहाँ पर में भी उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब धीरे धीरे करके आपको इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो और इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे, डाइवर्सिफाई होते हुए नज़र आएंगे। इसके अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो आपको कई सारी जगहों पर नज़र आएगा। सबसे पहला आपको नज़र आएगा, देखने को मिलेगा कि जब यमन में सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग शुरू की थी, बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे, भारत को वहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना था और वहाँ पर फंसे हुए इंडियंस को बाहर निकालना था। भारत के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद बिन सलमान को सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया और सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग्स रोक दी उतने समय के लिए जब तक कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से वहां से निकाल ना ले। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है जो सऊदी अरेबिया ने भारतीयों के प्रति दिखाया था। इतना ही नहीं, अब बायलैटरल टाइज को बढ़ते हुए पाएंगे कि जब सूडान के पोर्ट सूडान से जब इंडियंस को वहां से रेस्क्यू करना था तो वहां पर सऊदी अरेबिया की नेवी ने इंडियन नेवी की हेल्प की थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जाकर काम करते हैं, जिसकी पर्सनली मोहम्मद बिन सलमान ने कई बार तारीफ की है। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच के रिलेशनशिप कोई पाकिस्तान से गवर्न नहीं होते। आपने सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखा होगा जब भारत ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया 2019 में। पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो बढ़ चढ़कर भारत का क्रिटिसिज्म करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के लाख बोलने के बावजूद खुल करके किसी भी, आप देखेंगे ना दुबई मतलब यूएई ने, ना ही सऊदी अरेबिया ने, किसी भी इस प्रकार की जो मेजर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई खुल करके बड़े पैमाने पर भारत का कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कहा, एक बहुत बड़ा जेस्चर था, उन्होंने कहा कि भारत का ये एक आंतरिक मामला है, जबकि पाकिस्तान इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब रिलेशनशिप आप देखेंगे बढ़ते हुए किस प्रकार से कि आईमेक बन गया है, और आईमेक मतलब बनने की बातें शुरू हो गई हैं। इस आईमेक परियोजना में भारत और सऊदी अरेबिया दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसकी कड़ियाँ होंगे। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि ब्रिक्स जो संगठन है, जिसमें कि भारत एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है, ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया को एक परमानेंट मेंबरशिप देने की वकालत बहुत लंबे समय से भारत कर रहा है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली की उम्मीद जताई जा रही है कि सऊदी अरेबिया जल्दी ही ब्रिक्स का एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर में भी आपको इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच के बढ़ते हुए कोऑपरेशन नज़र आएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच के कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन ये दिखाता है कि किस प्रकार से इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में एक इकोनॉमिक रेजिलियंस देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी बनकर सामने आया। वेस्ट से होने वाला इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
उसमें कई बार आपको फ्लक्चुएशंस नजर आएंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया से जो फॉरेन कैपिटल आ रही है वो मार्केट रिएक्शन और मार्केट से बहुत ज़्यादा वो संबंध नहीं रखती है। आप देखेंगे वो इंडिपेंडेंट है, वो एक लगातार आपको एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से देखने को मिलेगा। ये इंडिया की जो अब देखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी पार्टनर तो वो है ही सही। अमेरिकन काउंटर पार्ट जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई चीज़ इससे पहले देखने को मिली नहीं, जिस प्रकार की एक बॉन्डिंग आजकल इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि अगर हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। इंडिया भी, इंडिया के पास में जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है, यहाँ पर इंडिया क्लीन एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको ये जो एनर्जी पार्टनरशिप है ये आपको म्यूचुअल देखने को मिलेगी। जहाँ एक तरफ हम लोग ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, वहीं क्लीन एनर्जी रीन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के पास में डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है, उनके पास में आपको पता है कोई रिवर नहीं है सऊदी अरेबिया में, एक भी रिवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओशन वाटर को ट्रीट करके वो पूरा कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। प्लस इंडिया आजकल मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है, लगातार हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमको मार्केट्स की ज़रूरत होगी कि जिससे कि हम अपने बढ़े हुए प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट करने के लिए जिन मार्केट्स की रिक्वायरमेंट है वो एक मार्केट सऊदी अरेबिया और ये पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन भी होगा, और इसमें आईमेक एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। इस आईमेक परियोजना से हम लोग निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग मार्केट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम मिडिल ईस्ट टिल यूरोप। तो ये इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस है, और ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप की वेरियस डायमेंशंस है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास में मेंस का, इसको करने की आप कोशिश करिएगा। कंसीडरिंग द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस, एनालाइज द पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रपोज्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। एक क्वेश्चन प्रिलिम्स का भी है हमारे पास में, इसको भी करने की कोशिश करिए। द रिसेंटली कंक्लूडेड स्टेट विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लेड टू साइनिंग ऑफ 8 मेजर MOUs कवरिंग एरिया सच एज विजिलेंस, फाइनेंशियल रेगुलेशन, एग्जिम बैंक, डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंडियाज रिलायंस ऑन सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स डेट्स बैक टू 1960s, प्राइमरली सोर्सिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम अरब गल्फ स्टेट्स ड्यू टू द कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ इंडियन रिफाइनरीज विद दिस वेराइटी। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एम्स टू क्रिएट अ पोर्ट रेल रोड कनेक्टिविटी लिंकिंग इंडिया गल्फ कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विद इंडिया एंड सऊदी अरेबिया सर्विंग एज द टू नोडल कंट्रीज पोटेंशियली राइवलिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप तीनों स्टेटमेंट जो नज़र आ रहे हैं सबके सब सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये देखिए ऑब्वियसली ये जो आईमेक परियोजना है इसके ऊपर में हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, आपको अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। आईमेक परियोजना ऑब्वियसली ये जो इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड है उसको तो इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का भी अपने आप में एक मेजर है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि इस पूरे रास्ते में, इस पूरे ट्रेड रूट में कहीं पर भी यूएसए नहीं है, लेकिन यूएसए इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इस प्रोजेक्ट में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक राइवल चाइना को काउंटर किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट से। तो ये तीन स्टेटमेंट्स थे यहाँ पर हमारे पास, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आई होप कि ये इशू आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इश्यूज को देखने के लिए देखते रहिए, फॉलो करते रहिए वैद आईसीएस का यूट्यूब चैनल।